सो हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गूगल पे से आप क्यूआर कोड पर किसी की स्कैन करके कैसे मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे ही आप किसी भी शॉप पर जाते हैं तो आपका जो बिजनेस क्यूआर कोड्स देखने को मिलते हैं, शॉप पर स्टिकर्स चिपके रहते हैं क्यूआर कोड्स के, उनको आप स्कैन करके डायरेक्टली गूगल पे के थ्रू आप पेमेंट कैसे कर सकते हैं, जो कि आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि आपको डायरेक्टली स्कैन करके पेमेंट कैसे करना है गूगल पे के थ्रू, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल प्रोसेस आपको देखने को मिल जाता है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक कंप्लीट आपको वॉच जरूर कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दें, छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे कि वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर देना, ऐसे ऑफर्स एंड बैंकिंग रिलेटेड वीडियोज में अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। सो गाइस, आपको अपने गूगल पे अकाउंट से किसी को स्कैन करके पे करने के लिए, मतलब आप किसी भी शॉप पर जाते हैं तो उधर पर आपको बिजनेस क्यूआर कोड्स देखने को मिल जाते हैं, तो आप डायरेक्टली स्कैन करके कैसे पे कर सकते हैं, जो कि आज की इस वीडियो में आपको फुल प्रोसेस बताऊंगा कि गूगल पे के थ्रू आप कैसे स्कैन करके पे कर सकते हैं किसी को मनी। तो सिंपल से गूगल पे का एप्लीकेशन आपको ओपन कर लेना है। ओपन करते ही कुछ ऐसा इंटरफेस आपको इधर पर देखने को मिल जाता है। तो सिंपल साइट पर आपको कहीं पर भी क्लिक नहीं करना, ऊपर साइड पर लेफ्ट साइड पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है स्कैन क्यूआर कोड, जैसे कि आप देख सकते हैं। इस स्कैन क्यूआर कोड पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आपको एक क्यूआर कोड लेना है, जो कि आप जिसके भी क्यूआर कोड पर स्कैन कर रहे हैं, तो जैसे कि हमने स्कैन कर लिया है इस क्यूआर कोड को, जो कि हमारा ही क्यूआर कोड है, जो कि अमेजॉन मर्चेंट अकाउंट का क्यूआर कोड है। आप किसी भी अकाउंट मर्चेंट अकाउंट के क्यूआर कोड पर डायरेक्टली स्कैन करके पे कर सकते हैं। तो सिंपल से जैसे ही आप स्कैन कर लेते हैं तो उसका आपको ये जो यूपीआई आईडी होती है वो दिखा दी जाती है एंड अमाउंट आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। तो सिंपल से मैं 5 रुपये भी इधर पर सेंड कर रहा हूँ और इधर पर आप पे कुछ भी लिख सकते हैं। तो जैसे कि मैं पे डाल देता हूँ एंड इधर पर आपको टिक का बटन देखने को मिल जाता है। इस टिक के बटन पर क्लिक कर देना है एंड अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपके बैंक अकाउंट पर यूपीआई पिन सेट नहीं है, या फिर आपके अकाउंट पर बैंक अकाउंट ऐड नहीं है, या फिर आप न्यू अकाउंट बनाना चाहते हैं अपने गूगल पे का, तो आप कैसे क्या कर सकते हैं, इसके लिए ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ बना चुका हूँ, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो सिंपल से आपको बैंक सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीड टू पे पर आपको से क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो सिंपल से आपको लोकेशन पर ओके दे देना है। ओके देने के बाद इसके बाद पेइंग इधर पर आप पे होने लगा है, थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है। इसके बाद आपको एक पिन पूछा जाएगा, जो कि आपका यूपीआई पिन है। उस यूपीआई पिन को आपको इधर पर सिंपल से डाल देना है। तो थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं और हमारे पास पिन पूछ लिया गया है, यूपीआई पिन, जो कि देख ही सकते हैं। तो सिंपल से हम अपने यूपीआई पिन को इधर पर इंटर कर देते हैं। फिर आपको पिन इंटर करने के बाद इधर पर आपको टिक का बटन देखने को मिल जाता है। इस टिक के बटन पर आपको सिंपली से क्लिक कर देना है। क्लिक करते जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो थोड़ा सा आपको फिर वेट कर लेना है। वेट करने के बाद जैसे ही आप देख सकते हैं हमारे पास डन हो चुका है पेमेंट, और सिंपल से आपको इधर पर सभी चीज़ें दिखा दी जाती हैं, किसके मर्चेंट अकाउंट पर आपने ट्रांसफ़र किया है और कैसा कि आपको पेमेंट इधर पर हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। गॉट इट पर हम सिंपली से क्लिक करते हैं और हमारा मेन पेज आ जाता है। सो गाइज, इस तरह से आप बड़ी आसानी से अपने गूगल पे अकाउंट के थ्रू किसी को मर्चेंट अकाउंट के क्यूआर कोड पर या फिर किसी भी तरह के क्यूआर कोड पर आप पेमेंट कर सकते हैं डायरेक्टली। स्कैन वाले पर आप सिंपली से क्लिक करेंगे और कोड स्कैन करेंगे। फिर से मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ, कोड स्कैन करेंगे एंड इस पर आप अमाउंट डालेंगे और सिंपल से आप पिन डालकर इधर पर सेंड कर देंगे अमाउंट को। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही तो मुझे इंस्टाग्राम पर आप पूछ सकते हैं, बिना कुछ सोचे समझे उधर पर आप पूछ सकते हैं, मैं आपको फुल रिप्लाई दूंगा उधर पर। और जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो, प्लीज चैनल पर न्यू आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल वीडियोस बैंकिंग रिलेटेड मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूं। थैंक्स वॉचिंग आज।